गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 50 केंद्रों पर 11,554 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,167 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,387 लोग शामिल रहे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित गांवों में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा कोविड का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि तीज पर्व होने से जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने आए महिलाओं की संख्या कम देखने को मिली, जबकि अन्य दिनों काफी संख्या में महिलाएं वैक्सीनेशन कराने आती थीं और जिला अस्पताल में भीड़ लगी रहती थी। सीएमओ ने कहा, वैक्सीनेशन कराते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा, वायरल फैलने से लोगों में बुखार की समस्या ज्यादातर आ रही है। इस दौरान साफ सुथरा पानी पिए, तैलीय चीजों के सेवन से बचें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 50 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज क्योंकि महिलाओं का तीज का त्यौहार है, इसलिए हमारे बूथों पर भीड़ थोड़ा कम रही है। अभी तक 8,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन हमारे पोर्टल पर दर्ज हो गया है। इसमें हमारे ज़िले में 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है और हमारे जिला अस्पताल दोनों बीआरडी मेडिकल कॉलेज एम्स साथ साथ हमारे अर्बन पीएससी और रूरल सीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, जनता से क्या? जनता से अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। आजकल वायरल फीवर फैला हुआ है, वायरल फीवर भी सांस से ही हवा से ही होता है, तो अगर आप मास्क लगाएंगे तो वायरल फीवर से आप बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे। और पानी जो है उबाल कर पिए, क्लोरीन गोली डाल करके पिए। अगर ऐसी जगह पर है, बाढ़ग्रस्त जगह पर आप रह रहे हैं, साफ़ सुथरा पानी पिए, खाने की चीज़ें जो है गर्म चीज़ें खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं और हाथ को प्रॉपरली धोएं। नदी में जो बच्चे कूद करके नहा रहे हैं वो बिल्कुल ना नहाएं, क्योंकि वो उसमें गंदा पानी भी है, जिससे उनकी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं।